नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है सबका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांज। स्कूल से आ गया, खाना खा लिया। खाने मम्मी ने रहे की दाल रोटी चावल बनाए थे और कल की लौकी की सब्जी, तो वो भी खा ली। तो चलो गाइज, अब मेरे पे एक काम है, मेरे पे वो काम है कि अब मेरे को अपना स्कूल बैग धोना है, क्योंकि आज पता नहीं कैसे मेरे बैग में एक पेन लीक कर गया। तो उससे अंदर गंदा हो गया। तो मैं सारा बैग पापा का फर्स्ट बैग में ले लूँगा, सारी बुक्स वगैरह, फिर मैं काम करूँगा। ठीक है गाइज, मैं आपको मिलता हूँ। मैंने अपना स्कूल बैग धो दिया इस समय, और वो पीछे बाल्टी में पड़ा, बस कुछ नहीं था, सर्फ के पानी में थोड़ा सा भिगाया, ब्रश मार दिया, वो बिल्कुल ही बिल्कुल पानी बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का हो गया था, इतनी फैल गई थी। और वो रखा पापा का ऑफिस बैग, आपको दिख रहा हो ब्लैक कलर का, उसमें मैंने सब अपना सामान डाल लिया है, और अब एक हफ्ता वही चलाऊंगा जब तक सूखेगा नहीं। पापा कुछ नहीं कहेंगे, पापा का जितना सामान था मैंने अपने ड्रॉर में डाल लिया संभाल के। चलो गाइस, मिलता हूं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो सारा जब बैठा हुआ है और देखो उसे क्या उचंग छूटी, देखो हिरन के लग रहा है पर ड्यूड्रन। अब उसकी पैरों में से कौन सी बदबू आ रही है? ए मेरी किट्टी को मत छेड़। ए मेरा शेरू, देखो गर्मी में सबका ध्यान रखा हुआ जा रहा है। क्यों ज्यादा आ गया है क्या बेटा? ज्यादा है मतलब ये एक्सपायर हो गया। देखो इसका भाई, देखो कैसे घूर रहा है मेरे को सबकी निगाहों से कि भैया मेरे भी तो बदबू आती है। ले बेटा ले, सब जगह ले। अरे आप नहीं, इनको मत छेड़। नहीं अबे ये बंद नहीं होता मेरा। तो यहाँ पर बन रही है आज बैगन आलू, और जब मैंने लास्ट टाइम बैगन आलू बनाई थी तो पीनू को चाहिए थे इसके संग राइस, क्योंकि बच्चों को इसके संग राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज दिन में मैंने बनाए थे दाल चावल, जो कि दाल भी मेरी बची हुई है और चावल है, तो बच्चे साथ में चावल भी ले लेंगे, दाल भी, और थोड़ी में साइड में बैगन आलू। तो पीनू का दाल चावल का वो सॉरी बैगन आलू और चावल का शौक भी। वर्कआउट करने के बाद नहा लिया भाई साहब, क्या ही रिफ्रेश हो गया हूँ, और अब खाना खाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे मम्मी जी ने बनाया है बैगन आलू का सब्जी, और उसके साथ सुबह का दाल और रोटी और चावल तो है ही, तो हम खाएंगे। मम्मी जी सारी चटनी खत्म मत कर देना प्लीज, क्योंकि कल हम अपना वो प्रोटीन ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो उसमें चटनी चाहिए होगी। हम खा लेंगे चटनी तो सुबह बना देना। ठीक है चलो गाइस, खाना खा लूँ उसके बाद लेता हूँ सबसे। खाना खा लिया है और मम्मी वॉक करके आ गई। मम्मी कैसा लग रहा है आपको वॉक करके? बाहर मतलब वॉक करके अच्छा लग रहा है, ऐसे इतनी गर्म बाहर, इतनी वो ऐसी भी नहीं है कि अबे यार, अबे यार नहीं खत्म होती। सही में वर्कआउट करना शुरू करा तो काफी ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है। और ये महान आदमी क्या हाल है सर? सब बढ़िया सर? अबे यार, चलो मैं पहले अबे यार को देख लूँ फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस मैं अपने कमरे में आ गया हूँ और मैं यहाँ सोऊंगा। पापा का बैग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैंने इसमें सब सारा सामान सेट कर लिया है। और 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है मेरी, कांवड़ यात्रा चल रही है ना, तो उस वजह से 4 दिन की छुट्टी है। ऑनलाइन क्लासेस पर हैं 8 से 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास तो चलो लेंगे। और इसी के साथ अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह नए तरते वक्त ब्लॉग के साथ।